नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। वाहन पंजीयन में 28% की गिरावट, फरवरी से मार्च में 10.5% बढ़ी वाहनों की बिक्री, 3 पहिया वाहनों का सबसे बुरा हाल। और डेट GDP रेशियो हुआ 90%, कर स्थलित दबा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना के तहत लोन देने का टारगेट हर साल बढ़ता जा रहा है। जिस रफ्तार से सरकार मुद्रा लोन बांट रही है, उसी तेजी से कर्ज ना चुकाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक अगर किसी बैंक लोन की किस्त या लोन 90 दिनों तक नहीं चुकाया जाता है तो उसे NPA मान लिया जाता है। अन्य वित्तीय संस्थाओं के मामले में यह सीमा 120 दिन की होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल दर साल मुद्रा 55005 लोन का NPA बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक बैंकों द्वारा बांटे गए मुद्रा लोन में से साल 2016 में 596 करोड़ रुपए, साल 2017 में 3790 करोड़ रुपए, साल 2018 में 7277 करोड़ रुपए NPA हो गए। वही मार्च 2019 तक PMMY के अंतर्गत जो लोन राशि स्वीकृत की गई, उस पर करीब 17,250.73 करोड़ रुपए का लोन NPA घोषित हो गया। वही 31 मार्च 2020 तक स्वीकृत 3.82 लाख करोड़ रुपए मुद्रा लोन में से करीब 18,836 करोड़ रुपए NPA हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। कोरोना वायरस का असर ऑटो इंडस्ट्री से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FDA ने मार्च में रजिस्ट्रेशन होने वाली गाड़ियों के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक सालाना आधार पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में 28.64% की गिरावट आई है। हालांकि फरवरी 2021 की तुलना में आंकड़े बेहतर है। फरवरी में भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन में सालाना आधार पर 13.43% की गिरावट रही थी। पिछले 2 महीने से सिर्फ पैसेंजर व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। विदेशों में खाद्य तेलों में रही बढ़त के बावजूद ग्राहक के कमजोर रुख से दिल्ली ठोक जिस बाजार में खाद्य तेल स्थिर रहे तथा दालों में नरमी दर्ज की गई, इस दौरान गेहूं सस्ता हो गया जबकि चावल पिछले दिवस पर स्थिर रहा। तेल तिलहन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलेशिया के बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का अप्रैल बाटा 11 रेटिंग बढ़कर 4,293 रेटिंग प्रति टन पर पहुंच गया है। अप्रैल का अमेरिकी सोया तेल बाटा भी 0.11 सेंट की वृद्धि के साथ 52.91 सेंट प्रति पॉड बना गया। स्थानीय बाजार में ग्राहक के कमजोर रुख से सभी खाद्य तेल पिछले दिवस पर ही स्थिर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त दर्ज की गई। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में BSE सेंसेक्स 84 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। देश में कोरोना ने वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले में तथा इसके रोकथाम के लिए देश के कई भागों में लगाई गई पाबंदियों के कारण निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 84.45 अंक यानी 0.17% की बढ़त के साथ 49,740.21 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 54.75 अंक यानी 0.37% की बढ़त के साथ 14,873.80 अंक पर बंद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने कहा है कि COVID-19 महामारी के दौरान भारत का डेट GDP रेशियो 74% से बढ़कर 90% हो गया और उम्मीद जताई है कि आर्थिक सुधार के साथ ही ये घटकर 80% पर आ जाएगा। IMF के राजकोषीय मामलों के विभाग के उपनिदेशक पाओलो मोरो ने कहा कि भारत के मामले में महामारी से पहले 2019 के अंत में डेट रेशियो GDP का 74% था और 2020 के अंत में ये बढ़कर GDP का लगभग 90% हो गया है। यह बहुत बड़ी बढ़ोतरी है, लेकिन दूसरे उभरते बाजारों और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का भी यही हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। फाइनेंस बिल 2019 के जरिए देश में TDS का एक नियम अमल में आया है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति एक ही बैंक, कोऑपरेटिव बैंक,
पोस्ट ऑफिस के सभी अकाउंट्स को मिलाकर एक वित्त वर्ष के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ करता है तो उसे 2% की दर से TDS देना होगा। हालांकि 1 करोड़ रुपए की थ्रेशहोल्ड लिमिट इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए है जिन लोगों ने पिछले लगातार 3 वर्षों से RTR फाइल नहीं किया है। खबर समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। वाहन पंजीयन में 28% की गिरावट, फरवरी से मार्च में 10.5% बढ़ी वाहनों की बिक्री, 3 पहिया वाहनों का सबसे बुरा हाल। और डेट GDP रेशियो हुआ 90%, कर स्थली दबा भारत। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही, ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।